नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। समाजवादी पार्टी के ठाणे जिला अध्यक्ष वसीम सैयद और ताजुद्दीन खान सिकंदर खान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब्रस्तान और स्टेडियम में ओपनिंग हुए स्विमिंग पूल का मुद्दा उठाया गया। वसीम सैयद ने बताया कि स्विमिंग पूल की ओपनिंग टेंडर की तारीख 3 अक्टूबर की है, मगर उससे पहले ही फिनिक्स एकेडमी को पैसे कलेक्ट करने के लिए बिठा दिया गया है। जब हमने इस बारे में संदीप मालवी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हमने वर्कआउट करने का आदेश दिया है, मगर वहीं वसीम सैयद का कहना है कि इलीगल तरीके से बिना रिसिप्ट और ना ही सर्विस टैक्स नंबर और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जिस महिला को वहां बिठाया गया है उसके पास कोई भी आईडी कार्ड मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो स्विमिंग पूल का चार्ज है 150 रुपये, जो यहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। स्विमिंग पूल की जिसकी टेंडर जो है वो ओपनिंग डेट जो है वो 3 अक्टूबर की है, उससे पहले ही यहाँ पर एक फिनिक्स करके कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है उसको वहाँ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए बिठा दिया गया है। और जब इस बारे में यहाँ के जो ऑफिसर है संदीप मालवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हाँ, उनको हमने वर्क ऑर्डर इशू किया है। जब मैंने उनको बताया कि जब टेंडर 3 तारीख को इशू किया गया है तो आपने क्या बेस पे वर्क ऑर्डर किया है, क्या आपको इसकी इजाज़त है, तो उन्होंने कहा है हमको परमिशन है। और वहाँ पर जो है वो इलीगल तरीके से बगैर रिसिप्ट दिए ना ही सर्विस टैक्स नंबर उसके ऊपर मेंशन किया गया है ना ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर मेंशन किया गया है। वहाँ पर विदाउट आई कार्ड के एक औरत को बिठा दिया गया है और वो लोगों से पैसे वसूल रही हैं। तो वहीं शहर में कब्रिस्तान के मुद्दे पर भी काफी चर्चा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी के ताजुद्दीन ने कब्रिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ताजुद्दीन ने कहा है कि हमें कब्रिस्तान को लेकर घुमाया जा रहा है, जिस जगह पर यूडी ने हमें कब्रिस्तान दिया है उसी जगह पर हमें कब्रिस्तान चाहिए। एक महीने में अगर कब्रिस्तान नहीं मिला तो मैं यूडी द्वारा दी गई कब्रिस्तान में मैयत दफन करूंगा। गवर्नमेंट से पास करके यूडी ने जो हमको ये कब्रिस्तान अलाउड किया था, उसके बाद में स्थानीय नगर सेवक ने हमको एक डुप्लीकेट कब्रिस्तान दिया था जिस पे ऑलरेडी सलाटर हाउस का रिजर्वेशन है। समाजवादी पार्टी के तरफ से मैं युवा जनता युवा अध्यक्ष थाना जिले का, मैं आपके माध्यम से ये अल्टीमेटम देता हूँ कि एक महीने के अंदर अगर कब्रिस्तान का मुद्दा सॉल्व नहीं किया प्रशासन ने तो जो यूडी ने हमको मंजूरी दिया हुआ गवर्नमेंट अप्रूवल जो हमारा कब्रिस्तान है, जो कि हमारा हक है, उस कब्रिस्तान पे मैं मेरी सोच से मैच करने वाला, मेरी सोच के ऊपर एक्सेप्ट करने वाला किसी के घर में अगर मैयत होती है तो मैं उस मैयत को लेके जाके उस कब्रिस्तान में दफना दूंगा। आपको बता दें, विधायक जितेंद्र अहवाड ने जो 107 नंबर की जमीन कब्रिस्तान के लिए देने की बात की है, दरअसल वो जमीन CRZ 1 में है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।